जनपद में बुधवार को 76 केंद्रों पर कोविड 19 का वैक्सीनेशन किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जनपद में 76 केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के 3,320 और 45 साल से ऊपर के 9,450 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें प्रथम डोज लेने वालों में 6,163 और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,287 नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया। सीएमओ ने कहा कि प्रयास है कि 2 दिन के अंदर 45 साल से ऊपर छूटे सभी व्यक्तियों का वैक्सीनेशन संपन्न करा दिया जाए। इस अवसर पर वैक्सीनेशन कराने वाले नागरिकों ने कहा, वैक्सीनेशन से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है, सभी लोग वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैक्सीनेशन कराने वाले नागरिकों तथा सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, संदीप कुमार गुप्ता नाम है। अच्छा लग रहा है, तरह की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिनों से जी कितने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे? प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, 3 दिन पहले हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था और वैक्सीन हमको मिल गई। अभी तक जो लोग नहीं करवा उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो लोग नहीं करवाएं कहना चाहेंगे कि वो अवश्य करवाएं इसको, इससे उनका फायदा ही है। अमित कुमार अग्रवाल, आज आपका वैक्सीनेशन किया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो कोई नहीं है, बस प्रतीक्षा 3-4 दिन पहले लगाया था, लेकिन टाइम स्लॉट मिलने में बहुत दिक्कत है थोड़ा सा, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो लोग अभी तक नहीं करवाया वैक्सीनेशन उनके लिए क्या करें? वैक्सीनेशन तो करा ही लेना चाहिए सब किसी को, टाइम स्लॉट मिलता है तो तुरंत कराना चाहिए। कितने केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है? आज 69 केंद्रों पर हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है, उसमें से 26 केंद्रों पर एक्सक्लूसिवली 18 प्लस के लोगों का टीकाकरण हो रहा है। हमारा 4,000 का लक्ष्य है 18 प्लस के लोगों का, बाकी के लिए हमारा लक्ष्य 8,000 के ऊपर का लक्ष्य है, जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं। तो आज हम सभी केंद्रों पर एक तरह से वो ड्राइव चलाए हुए हैं कि सेकेंड डोज जिनके बचे हुए हैं वो सबके लग जाएँ, और फर्स्ट डोज के जो भी 45 साल से ऊपर आ रहे हैं, अगर वो इनरोल हो गए हैं और वो कोविन पोर्टल पर उनका नाम दर्ज हो गया है तो वो वैक्सीनेशन करा लें। और कोई दिक्कत किसी को आती है तो हम ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 2 दिन तक हम इस तरह के स्पेशल ड्राइव किए हुए हैं, जैसे कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में 45 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन करा सकते हैं।